हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग पाइथन पढ़ेंगे। पाइथन पढ़ने के लिए एक आईडीई की जरूरत होती है, और आईडीई मैं विजुअल स्टूडियो ओपन किया हूँ। आईडीई ओपन करने से पहले एक न्यू फोल्डर बनाते हैं हम लोग। पाइथन नाम का एक फोल्डर बनाया और आईडी में जाकर, फाइल में जाकर ओपन फोल्डर। पाइथन सिलेक्ट करते हैं और ये एम्प्टी फोल्डर है। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। इसके लिए py एक्सटेंशन होता है पाइथन का। अब हम लोग इसमें IDE मीन्स होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक। उसके बाद इसमें आईडी बहुत सारे होते हैं, जैसे होता है VS कोड, जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब, एक्सेट्रा, बहुत सारे आइडिया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे आखिर पाइथन है क्या। पाइथन पाइथन एक सिंपल एवं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक लो लेवल एक हाई लेवल। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग उसको कहते हैं जो प्रोग्रामिंग को हम कीबोर्ड द्वारा इंटर करते हैं, जैसे वाइट के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे मशीन समझता है, ना कि हम लोग। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो हम लोग द्वारा समझा जाता है। ये टू प्रकार के होते हैं। फिर एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम क्यों करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए वो करते हैं। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक CUI टू टाइप्स, टू टाइप्स CUI एंड GUI। CUI एंड GUI। CUI मीन्स होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इस सॉफ्टवेयर में हम लोग कीबोर्ड द्वारा इनपुट देते हैं, जैसे CMD, लिनक्स, अंडरस्टैंड। GUI होता है जो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसमें GUI भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेस्कटॉप बेस एप्लीकेशन, और दूसरा होता है वेब बेस एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। डेस्कटॉप बेस एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होता है जिसमें हमें वेब ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइक ठीक है इंटर टू टू क्रिएट डेटाबेस। और वेब बेस एप्लीकेशन वो होते हैं जिसमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है,
उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। हम लोग पाइथन में देखेंगे इंट्रोडक्शन जो चल रही है इंट्रो, सेकेंड देखेंगे प्रिंट एंड इनपुट फंक्शन, थर्ड देखेंगे डेटा टाइप्स, फोर्थ देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, फिफ्थ देखेंगे लूप्स, लूप्स फंक्शन मॉड्यूल, डेटा टाइप्स इन डिटेल, डेटा टाइप्स इन डिटेल्स, फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसमें हम MySQL पढ़ाएंगे, MySQL। उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर फाइल हैंडलिंग देखेंगे, फाइल डेलीगेशंस देखेंगे, जेसन देखेंगे, जेसन एंड पिकलिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखेंगे, और कुछ बच गया एक्सेप्ट, थ्रेडिंग देखेंगे, इंटीग्रेटर एंड जनरेटर, उसके बाद GUI प्रोग्राम देखेंगे लाइक TK इंटर, अंडरस्टैंड। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिएट सॉफ्टवेयर, क्रिएट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्रिएट क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट क्यों करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, उसका आंसर है सॉफ्टवेयर हम कोई भी यूजर को रीड एंड राइट करने के लिए, जैसे डाटा को इनपुट हम कराते हैं और आउटपुट लेते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। और सॉफ्टवेयर का वर्क होता है डेटा को स्टोर करना मेमोरी में, रैम रोम, आपने नाम सुना होगा रैम और रोम का, फिर ये डेटा जो सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टोर होता है रैम या रोम में, वो एक वेरिएबल के थ्रू होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, और वेरिएबल स्टोरेज में जाता है, वो स्टोर करता है, वेरिएबल के थ्रू ही डेटा स्टोर होता है। और पाइथन सबसे बड़ी एक है कि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर, और ये इसीलिए है कि ये कोई भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, नॉट कि ये एक बड़ा प्रोग्राम लिख दिए उसके बाद हम लोग रन कराए तो एरर सारा प्रोग्राम के बाद आया, ऐसा नहीं है। इसमें है कि एक प्रोग्राम को हम अगर रन कराते हैं तो वो लाइन बाय लाइन रन होकर डिबग होकर वो फॉल्ट को शो करेगा, जैसे कोई एरर शो होती है किसी लाइन में तो वो उस लाइन में शो करने लगेगा, ठीक है। कंपाइलर बेस नहीं होता है, ये इंटरप्रेटर बेस होता है, इंटरप्रेटर बेस होने के कारण ये मेमोरी भी खुद डिसाइड करती है रैम की कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है, और इंटरप्रेटर बेस ये होता है कि जितनी भी साइज और लोकेशन दोनों इंटरप्रेटर ही डिसाइड करता है पाइथन, अंडरस्टैंड। मेमोरी, मेमोरी
मेमोरी जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक रैम और दूसरा रोम। रैम एक वोलेटाइल होता है और प्राइमरी मेमोरी होता है, और रोम है जो सेकेंडरी मेमोरी होता है और ये परमानेंट रहता है। इंटरप्रेटर पाइथन में इंटरप्रेटर रिटर्न करता है एड्रेस को, मेमोरी लोकेशन को इन वेरिएबल में। ऐसा नहीं है कि कुछ और कर देगा, वो किसी भी रेफरेंस के थ्रू अगर जाती है कोई भी डेटा, तो अगर इंटरप्रेटर वर्क कर रहा है तो रिटर्न करेगा मेमोरी का सारा सारा मेमोरी लोकेशन को रिटर्न करेगा, ना कि मेमोरी का कुछ और जैसे वैल्यू रिटर्न करता है, ऐसा कुछ नहीं है, लोकेशन ही वही होता है। और कोई भी वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं, एक वैल्यू टाइप्स वेरिएबल्स होते हैं, एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल होते हैं। जो हमारी पाइथन है वो प्रीफर करती है रेफरेंस टाइप वेरिएबल। अब हमें एक चीज और जानना है कि हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वो तो आपको मैं पहले बता दिया, टेक इनपुट डाटा और आउटपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट और आउटपुट यूज करने के लिए, ठीक। और अगर डाटा हम सेव करते हैं किसी भी थ्रू, जैसे हमें एक फाइव डेटा है, फाइव को हमें सेव करना है, तो हम किसके थ्रू सेव करेंगे, वेरिएबल के थ्रू। तो वेरिएबल क्या है, ए इक्वल टू फाइव, इसमें ए क्या है, ए वेरिएबल है, ए इक्वल टू हो जाएगा वेरिएबल, ए वेरिएबल हो गया। इसको हम कमेंट्स कर लेते हैं सारा कुछ, ए वेरिएबल हो गया और फाइव क्या हो गया, फाइव क्या हो गया वैल्यू, और यही वेरिएबल है जो ए वेरिएबल है, यही जाकर मेमोरी एलोकेशन में फिट होता है। और अगर पूछेगा कोई भी कि वेरिएबल क्या है, तो ये दिस इज ए टेक्निक विच इज स्टोर इन डेटा एंड मेमोरी, जो डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है, इसके सहायता से ही हम लोग कर सकते हैं, ना कि आप डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ऐसा पाइथन में नहीं होता। और हाँ एक चीज, कोई भी इसमें मेमोरी लोकेशन होता है दो तरह का होता है, एक होता है डायनेमिक स्टैटिक होता है, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होता है, और दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक स्टैटिक का मतलब है कि आप एक बार मेमोरी को असाइन कर दिए तो ये चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर डायनेमिक में आप एक बार मेमोरी या वैल्यू या वेरिएबल असाइन कर देते हैं मेमोरी में, तो ये चेंज कर सकते हैं, ये रिफ्रेश टाइप पे होता है। और पाइथन है जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रीफर करता है। और इसमें है कि हम लोग एड्रेस एड्रेस होता है, एड्रेस को हम लोग होल्ड कर सकते हैं और वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं एड्रेस, क्योंकि पूरी पाइथन में आपको सिर्फ एड्रेस ही मिलेगा, इसी के सहायता से आप मेमोरी तक जा सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, क्या क्यों है, किस लिए यूज करते हैं, ये वेरिएबल डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट में स्टोरेज चाहिए वैल्यू को। जैसे हमारे पास सपोज दैट एक फाइव है जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर,
एक 6.66 है, इसको हम लोग फ्लॉट बोलते हैं। एक वेलकम है, इसे हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। अब इसमें डिसाइड करेगा वेरिएबल की किस में कितना मेमोरी की जरूरत होती है, तो इंटीजर 2 बाइट मेमोरी लेती है। फ्लॉट फ्लॉट 4 बाइट मेमोरी लेती है, 4 बाइट्स। एंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग 16 बाइट लेती है। आपको पहले मैं बताया था कंपाइलर बेस और इंटरप्रेटर बेस में लैंग्वेज होती है, आपको तो इतना पता ही होगा। हम कंपाइलर बेस एंड कर्नल बेस में होता क्या है, ये होता है कंपाइलर कन्वर्ट यूजर अंडर अनस्टेबल बाइट कोड आफ्टर द कर्नल विल बी एग्जीक्यूट मशीन अंडर स्टेबल कोड। और इंटरप्रेटर क्या करता है, देन एक ही एंटिटी होती है जो इंटरप्रेटर है, जो रन कोड खुद लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, कंपाइलर है कि नहीं करता है, लेकिन जैसे सपोज डैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट हेलो, जब मैं इसको रन कराऊंगा तो डायरेक्ट ये बोलेगा प्रिंट हेलो। ठीक है, अगर इसके इसको प्रिंट कराने के लिए जैसे एक ये पाइथन में सिर्फ प्रिंट हेलो लिख दिए तो ये प्रिंट कर दिया आपका, और यही कोई और लैंग्वेज में प्रिंट हेलो कराने के लिए बहुत सारा लिखना पड़ता है। अंडरस्टैंड, वेरिएबल्स एंड मेमोरीज कल कल का इंट्रोडक्शन में हो। थैंक यू। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स नहीं किए वो प्लीज कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जब भी मिले तो आप सबसे पहले देख सकें।